नमस्कार दोस्तों अगर आप भी अपना खुद का पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं और उसके लिए आपको लोन की जरूरत है तो यह वीडियो आपके लिए दोस्तों आज की वीडियो में हम एस के पोल्ट्री लोन के बारे में बताएंगे किसे और कितना मिलेगा लोन और क्या टर्म एंड कंडीशन है लोन के लिए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि कैसे आप सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं इस लोन पर वीडियो आपके बिजनेस लोन और सब्सिडी से जुड़ी है इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जानकारी बहुत ही जरूरी है इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके दोस्तों मैं हूं संजीव कौशिक और आप देख रहे हैं नॉलेज कोश क्योंकि जानकारी होना जरूरी है आइए करते हैं वीडियो शुरू दोस्तों हर कोई खुद का अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है पोल्ट्री फार्म का बिजनेस भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एस से बड़ी ही आसानी से लोन लेकर आप अपना खुद का पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं दोस्तों वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आखिर कौन कौन ले सकता है इस लोन का लाभ दोस्तों वो लोग जिन्हें पोल्ट्री फार्म का एक्सपीरियंस है या कहीं से पोल्ट्री फार्म की ट्रेनिंग ली है या फिर ले रहे हैं यह लोन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग के लिए आप अपने नियरेस्ट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं अगर आपके पास पोल्ट्री फार्म का एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग नहीं है तो आपके पास पोल्ट्री फार्म का शेड लगाने के लिए ज़मीन जरूर होनी चाहिए इस लोन का लाभ उठाने के लिए दोस्तों इन सब रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपके पोल्ट्री फार्म के या फिर जहां पोल्ट्री फार्म खोल रहे हैं उसके 500 मीटर के एरिया में और कोई पोल्ट्री फार्म नहीं होना चाहिए साथ ही साथ आपके पोल्ट्री फार्म वाली जगह पर साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों बैंक से लोन लेने के लिए आपके पास कम से कम पाँच मुर्गियों को पालन करने के लिए ज़मीन होनी चाहिए इससे ज़्यादा मुर्गी पालन पर भी आप लोन प्राप्त कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं लोन कितना मिलेगा और कब तक चुकाना होगा दोस्तों एस आपके प्रोजेक्ट का पिछहत्तर परसेंट तक लोन अप्रूव करेगा और दोस्तों मुर्गी पालन लोन के लिए अधिकतम नौ लाख ,00 रुपए तक का लोन दिया जाएगा पांच हजार मुर्गी पालन पर तीन लाख रुपए तक का लोन अप्रूव हो सकता है एस बैंक की तरफ से दोस्तों बैंक से लोन लेने के लिए आपको बैंक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करानी होगी जिसमें आपके पोल्ट्री फार्म और उससे जुड़े इक्विपमेंट की पूरी डिटेल जानकारी होगी जिसे देखकर बैंक आपके लोन को अप्रूव करेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं या फिर कैसे बनी बनाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाई है जिसे आप हमारे चैनल या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों अब बात कर लेते हैं कब तक चुकाना होगा यह लोन दोस्तों यह लोन चुकाने की अवधि पांच साल तक की होती है जिसमें छह महीने की मोहलत और भी दी जा सकती है तो कुल मिलाकर साढ़े पांच साल मिलते हैं यह लोन वापस लौटाने के लिए दोस्तों आप एस की वेबसाइट पर जाकर करंट इंटरेस्ट रेट भी पता कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट एस की वेबसाइट पर जा सकते हैं इसके साथ मैं आपको वेबसाइट पर जाकर भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं उसके लिए दोस्तों आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर दोस्तों एस बी पोल्ट्री लोन की डिटेल जानने के लिए हम जाएंगे गूगल पर और वहाँ पर जाकर टाइप करेंगे एस बी पोल्ट्री लोन जैसा कि मैंने पहले ही टाइप किया हुआ है तो कुछ इस तरह के सर्च रिजल्ट आपके सामने आएंगे जिसमें पहली वेबसाइट है या एस की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा जिसमें यहाँ पर आपको पोल्ट्री फार्म के बारे में जानकारी मिल जाती है यहाँ पर फीचर्स के बारे में जानकारी मिल जाती है कि किस किस चीज़ पर लोन मिलेगा आपको फीड रूम पर इक्विपमेंट पर पोल्ट्री शेड पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पोल्ट्री शेड पर न्यू और एग्जिस्टिंग फार्मर्स के लिए लोन दिया जाएगा तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको पहले बताई तो वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं इसके साथ साथ आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में पता चल जाता है यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा आइडेंटी प्रूफ देना होगा या एड्रेस प्रूफ देना होगा तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है यहाँ पर फीचर पर आएंगे देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरवेस आपके सामने खुलेगा जिसमें यहाँ पर ये करंट रेट्स के बारे में आपको यहाँ पर पी फ़ाइल्स मिल जाती हैं जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन होएगा आप डाउनलोड कर लीजिए इन फाइल्स को डाउनलोड हो जाने के बाद आपके सामने पी डी फ़ाइल खुल जाएगी जिसमें आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी कितने लिमिट तक के लोन के लिए कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है और किस क्या क्या क्राइटेरिया है तो वो सारी चीजें आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपने नियरेस्ट एस बैंक में संपर्क करना होगा दोस्तों इस लोन पर आप नाबार्ड से सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं नाबार्ड से आप तैंतीस तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं नाबार्ड से कैसे सब्सिडी ले सकते हैं इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाई है जिसे आप हमारे चैनल या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने एस पोल्ट्री लोन के बारे में जाना और इससे जुड़ी टर्म एंड कंडीशन के बारे में जाना तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो से जुड़ी कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में लिखिए हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो जो आप देख पाए सबसे पहले धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत